वाकई में जो पाना चाहते हैं ना, एक काम और कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। सारा खेल मैं अपना अब तक कुछ समझ पाया ना, तो सिर्फ और सिर्फ माइंड के सॉफ्टवेयर का खेल है। एक आदमी ऊंचा और एक आदमी नीचा हो जाता, और कोई दूसरा कारण ही नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है, जब भी आपके फुर्सत के क्षण हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, लेट जाइए, तकिए पर सर रख के नहीं, तकिए को गोद में लेकर आंख बंद करके, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर कहीं बैठकर, और तब आपके पास कोई और ना हो, सिर्फ आप सपना ही देख रहे हो, तब आप सपना ही देख रहे हो। और सपना इतना मधुर बनाइए, बनाओगे कैसे, आंखें बंद कर दीजिए, रिजल्ट आ गया है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। एक एक पल को जी के देखिए। मम्मी बुला रही है, वो भी सम्मान से, पहले तो थप्पड़ लगा के बुलाती थी। पापा बुला रहे हैं, वो भी सम्मान से, और जहां देखो वहीं नमस्ते करने वाले, चाहे उम्र ज्यादा है लेकिन नमस्ते आगे से कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है, देखो कमाल करते, बहुत मेहनत कीजिए इस लड़की ने, पहले चाहे कहते हो निठल्ली है, आलसी है, ना समझ है, लेकिन फिर मेडिकल हो रहा है, पुलिस वाला आके पहले नमस्ते कर रहा है, मेडिकल पुलिस वाला करने आया, बड़े सम्मान से बोल रहा है। सन ने भी एक मौका दे दिया है, जाओ क्लास में और बताओ कैसे कैसे तैयारी की, यहाँ बैठ के बता रहे हैं, कुछ गप्पे लगा रहे हैं, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे किया वैसे किया। अब जो बेचारे सामने सुन रहे हैं वो सब समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है यार, इतने तो बहुत मेहनत की, तो वो मौका भी मिला। एक इंस्टीट्यूट वाला तो आ गया, तो 5 लाख रुपए ले लेना, मेरे यहाँ फोटो छिपवा दो। मन कर रहा है कि ले लें, लेकिन जैसे ही लेने का मन करता है एमके सर का चेहरा आ जाता है, और फिर किसी सुप्रीम कोर्ट जज को सर ने बुला रखा है, अवार्ड सेरेमनी हो रही है, किसी चीफ जस्टिस को बुला रखा है, हाई कोर्ट जज को बुला रखा है, और उसके बाद जगह जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, ट्रेनिंग में चले गए, ट्रेनिंग बहुत शानदार, बढ़िया ड्रेस होती है, ब्लैक एंड वाइट, सुबह पीटी कराते हैं और बहुत शानदार। मैं तो खैर देखा नहीं, मैं गया नहीं, जहाँ का तो मैं ओटीएस में होती थी तब तो मैं गया, ट्रेनिंग हो रही है, 100-150 का बैच है, सबसे जान पहचान हो गई है, बैचमेट अच्छे लग रहे हैं, कोई कोई बैचमेट कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे हैं। हाँ हाँ वो भी कल्पना कर लेना, छोड़ना मत किसी भी। और ट्रेनिंग चल रही है, मजे आ रहे हैं, बढ़िया खाना बनता है, न कपड़े धोने होते हैं, न झाड़ू लगाना होता है, प्रेस हुए कपड़े रोजाना मिलते हैं, धोबी आके पूछता है और कोई ड्रेस, सारे बिस्तर विस्तर सब साफ, रोजाना चद्दर साफ होती है, बढ़िया सिंगल सीटेड रूम मिला हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, और चपरासी बार बार पूछने आता है, सर और कुछ, मैडम और कुछ। दूसरा, अब टाइम आ गया है, ट्रेनिंग पूरी होने में है, अलग अलग जिले मिल रहे हैं, जगह जगह मिल रही हैं, ACGM के पास बैठे हैं, एक तरफ ACGM CGM साहब बैठे हैं, हम साइडों में बैठे हैं, वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे करो। और वो दिन आ गया जिस दिन एक सेपरेट कोर्ट हमारे हवाले कर दी गई है, बूढ़े बूढ़े एडवोकेट सब झुक के सलाम कर रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा है, फाइलें गाड़ी में रखी जा रही हैं, और गाड़ी चौराहे पर रुकी, गाड़ी पर न्यायाधीश लगा हुआ है, पुलिस वाला सल्यूट कर रहा है। घर आ गए, घर देखे तो चपरासी दो दो, कुछ भी बाजार लेने जाना नहीं है, सब कुछ बढ़िया, घर शानदार, गाड़ी में रोज जाते हैं, कार में, लेकिन कोई पेट्रोल डलवानी नहीं पड़ती, फ्री में ही चलती है, एसी रोज ही 16 पे चला के सोते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं गर्मी में भी, लेकिन एसी 16 पे, बोले हमारे जेब से क्या जा रहा है, सरकार का पैसा जा रहा है, बिजली सरकार की खर्च हो रही, तो जहाँ जाओ वहीं सर्किट हाउस, वहां भी मजे ही मजे। और फिर वो टाइम आ रहा है, एक बैचमेट ठीक लग गया था, चलो इसी से शादी कर लेते हैं। वहां तक का सपना देखिए ना,
मजे आ जाएंगे। और इसको रोज देखिएगा, रोज देखिएगा, और ये आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगा सॉफ्टवेयर, और फिर आपको इन बेरेक्ट से, इन किताबों से प्रेम होने लगेगा। फिर यही सबसे अच्छी लगेंगी, फिर यही सबसे अच्छी लगेंगी। और वो पल हर रोज सोचोगे, कौन सा वो पल आ जाए, और उस पल के लिए आप कितनी मेहनत करोगे, ये आपको कल्पना ही नहीं है। और कभी गांव से फोन आ रहा है, वो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, ऐसे एक बार फोन कर देना, हाँ भाई SHO से बात कर रहा हूँ, जी हुकुम दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, हाँ हुकुम हो जाएगा, जी हुकुम। अरे मंत्री जैसे इंजॉयमेंट है, और फुल लाइफ। फिर और देखो सपना, पता लगा है कि घोटाले में एक मंत्री आ गया, बाहर खड़ा है, सामने खड़ा रहा है, शाम को देख सुनाएंगे तेरे को 4:30 बजे। एक MLA पड़ा है, क्या कर रहा है कि सर वो डेट डेट नहीं देंगे, डेट 4:30 बजे मिलेगी। क्या किया था इन्होंने कि सर 20 साल पहले इन्होंने रास्ता रोका था। अच्छा रास्ता रोकते हो, खड़े रहो अपनी, अब तुम्हारा रास्ता पता लग जाए। कोई मंत्री कह रहा है एक बार मैडम से मुलाकात करा दो ना, कौन है इस मैडम, वो मिनिस्टर है, और वो कह रहा है एक बार मैडम से मिलना था, नहीं नहीं मंत्रियों मंत्रियों से हम नहीं मिलते, हम पॉलिटिकल लोगों से कोई जान पहचान नहीं रखते, भगाओ इसको, ठीक है ना। और ADJ बन गए हैं, ठीक है, और सुबह सुबह फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, नीचे पैर रखे हैं ऑर्डरली, जूते साफ करके पैरों में मोजे पहना जूते पहना रहा है, मैंने देखा है ये। सी दिस ड्रीम डेली, डेली देखो, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, और बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी, बन जाएंगे। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कौन थे, भगवान थे। भगवान ने कहा है जो चाहते हो वही बन जाते हो, जो चाहते हो वही बन जाते हो, ये तो भगवान ने खुद कहा है। उतने ही प्रासंगिक हैं जितने भगवान कृष्ण, जितने भगवान कृष्ण प्रासंगिक हैं, जितने भगवान राम प्रासंगिक हैं, जितने भगवान कबीर प्रासंगिक हैं, जितने भगवान ओशो प्रासंगिक हैं, उतने ही हैं बुद्ध, उतने ही हैं महावीर। और बुद्ध की बात अटल है, चेंज नहीं हो सकती। तो जो चाहते हो वही बन जाओगे, बुद्ध ने कहा है अपने प्रवचनों में, समझदारी से चाहना, किसी को चाह लिया तो ये मान लो मिल जाएगा। तो कभी कभी किसी कचरे में मत गिर पड़ना, चाहना ही तो अच्छा चाहना, मिल जाएगा, टफ तो है नहीं, वो आपके हाथ में ही है। और सच मानिए ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। मैं अपनी बताता हूं, मैं कंपटीशन के साथ पढ़ाता था, तो मैं जो पढ़ाने में उस समय भी बहुत मजा आता था, मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं मेन वगैरह का रिजल्ट आता तो मैं सोचता यार, इंटरव्यू वगैरह रिजल्ट आया, मैं एक बात सोचता था यार ये पढ़ाना छूट जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु नहीं छूटेगा, और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। बाद में जब मैं ये प्रवचन सुना बुद्ध का, तो मैंने देखा कि ये मैं ही ने तो ही किया, मतलब मुझे क्यों ऐसा लगता था मेरे से छूट जाएगा, पढ़ाना छूट जाएगा, मैं नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अलग अलग टाइप का आनंद है, किसी को किसी में आता है, मुझे आता है इसमें, मैं इस चक्कर में ही नहीं हुआ। आप इस सपने को रोज देखिए, फिर आप अपनी पढ़ाई देख लेना, आज लिख लेना इसको, अपनी डायरी बना भाई थी ना एक आपको प्लानर, वो डायरी आपके लिए गीता है, आपको कुछ भी ना लिखो लेकिन आज इस बात को लिखना, तो मुझे ये सपना देखना है, आज की स्थिति 2-3 लाइनों में लिख देना, यार आजकल ऐसी स्थिति है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन कभी भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मन करता है कभी उससे बात कर लूं, कभी उससे बात कर लूं। इस सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करना शुरू करिए, आपका मन सिर्फ पढ़ने में लगेगा। कभी कभी लगता है, हम लगता है क्योंकि नजदीक होते हैं पॉलिटिकल लोगों के, तो आपको लगेगा यार पॉलिटिकल लोग बड़े हैं, लेकिन आप जुडिशरी में हैं तो आपसे बौने हैं, वो छोटे हैं। मैं कोई किसी के साथ बैठा था,
तो वैसे ही मुझे किसी चाय पिलाने ले गए थे, कोई मेरे परिचय, अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, तो ऐसे ही कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरा ऐसे ही कोई परिचय दिया, ये ऐसे इंस्टीट्यूट चलाता है, अरे यार आपके इतने सारे जज मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं यार, आप तो मेरे को नंबर दो, आप तो काम के आदमी हो। मैंने कहा मैं किसी काम का नहीं हूं, बताओ आप कैसे काम आऊंगा, कि नहीं ये इतने सारे मिलने वाले। मैंने कहा मेरी नहीं मानते, और ना मैं उन्हें फोन करता कभी, मैं कभी फोन नहीं करता उनको, मैं तो उनका नंबर ही डिलीट मार देता हूँ या भूल जाता हूँ, उनके भी अगले फोन आ जाए। तुम सेलेक्ट हो जाओ तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा मेरे पास ना, फिर नए लोगों का रहेगा, जब तक सेलेक्ट नहीं होते तब तक मैं रखता हूँ, कि नहीं नहीं आप नंबर दो। और आप देखो वो मंत्री हैं अभी, तो ऐसे जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे तो स्टूडेंट ही हैं, लेकिन जो खुद होते हैं उनके साथ क्या होगा। तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करिए आप। मेरे यहां से एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उस विवाह के प्रोग्राम में मैं भी गया था, तो लगा है प्रशांत, तो उसको घेरे खड़े लोग बहुत सारे। अब उसने देखा कि मैं, जैसे मैं एंटर हुआ विवाह में, तो वो आया और उसने पैर छुए, पैर छुए, तो मैंने कहा चल तू अपना खाना वाना खा और लोगों से मिल मिला, जब सिलेक्शन ही हुआ था तब, तो वो अपना काम में लग गया, उससे बहुत सारे मिल रहे थे, फिर बहुत सारे लोग मेरे पास भी आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं इसके पैर ये छू रहा है तो कोई बड़ा जज होगा, मेरे पास आ गए, मैं खाना खा रहा, 1 रुपया ला के प्लेट दी, आप खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है मैं तो खा लूंगा, मैंने कहा अपने आप ले लूंगा। सर आप कहाँ हैं जज? मैंने कहा मैं तो जज नहीं, मैं तो मास्टर हूँ। तो वो थोड़ी देर बाद सारे चले गए, कोई नहीं, तो मास्टर हूँ क्या? मास्टरों को भी बेचारे, देखो कितना बढ़िया लड़का, आपने कभी पढ़ाया हुआ तो पैर छूने आया आपके। तो मैं कह रहा हूँ आप इस सपने को देखिए, मजा आएगा इस सपने को देखने में, और आपके विनिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? सारा खेल विनिंग सॉफ्टवेयर का है, जीतने वाला सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, अन्यथा हारते ही रहोगे। करो डेवलप, ये आपके हाथ में है। ठीक है।